सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं iOS 17.4 बीटा 3 का, जो कि एप्पल ने एक दिन पहले लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि iOS 17.4 बीटा 3 बैटरी ड्रेन कर रहा है आईफोन पर या नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं ये आईफोन XS है और इस टाइम जो ये रन कर रहा है iOS 17.4 बीटा 3 पे। यहाँ पे आप जनरल में आए, सॉफ्टवेयर अपडेट में आए और देखें यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है वो iOS 17.4 बीटा 3 की है। यहाँ पे अगर इसका बिल्ड नंबर आप चेक करें, यहाँ पे अबाउट में जाएं और यहाँ पे iOS वर्जन ओके इस पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट बिल्ड नंबर है 21E5200D। ओके ये बेसिकली iOS 17.4 बीटा 3 का बिल्ड नंबर है। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ये आईफोन iOS 17.4 बीटा 3 पे बैटरी ड्रेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से हमने इसकी बैटरी वाले सेक्शन को ओपन करना है। ओके आप देख सकते हैं कि ये आईफोन ऑलरेडी जो है बैटरी सर्विस शो करवा रहा है। यहाँ पे हमने सर्विस में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 73% है, यानी कि ये आईफोन बैटरी के लिहाज से थोड़ा वीक है। तो इसी पे हम चेक करेंगे iOS 17.4 बीटा 3 की परफॉर्मेंस। यहाँ से हमने वापस मूव करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट चार्ज जो है इसका ये 10:39 AM को, यानी कि इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे ये जो इसका लास्ट चार्ज है वो यहाँ पे शो करा रहा है कि 10:39 AM को ये आईफोन चार्ज हुआ है। ओके इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक्टिविटी है कि ये आईफोन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। इसका टोटल स्क्रीन टाइम जो शो हो रहा है वो है 2 घंटे और 31 मिनट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप्स की एक्टिविटी शो करा रहा है कि किन किन ऐप पे ये आईफोन बैटरी कंज्यूम कर रहा है या कर चुका है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक, कैमरा, कैपकट, यूट्यूब, फोटोज और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, लॉक स्क्रीन, YT स्टूडियो, सफारी और ये तमाम की तमाम ऐप्स जो है वो शो करा रहा है कि ये आईफोन की बैटरी कंज्यूम कर रही है। यहाँ पे हमने अगर शो एक्टिविटी का टैप करना है तो इसके बाद ये हमें बताएगा कि टिकटॉक जो है इस आईफोन पे 31 मिनट्स यूज़ हुआ है, कैमरा जो है 27 मिनट्स, कैपकट और इस तरह की तमाम ऐप्स जो इस आईफोन की बैटरी को कंज्यूम कर रही हैं वो इस टाइम पे इस वक्त यहाँ पे यूज़ हुई हैं। तो देखने में अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं कि इस आईफोन का जो बैटरी ग्राफ है वो स्टेबल है, यानी कि अगर ये ऐप इसको कंज्यूम भी किया है इस ऐप ने तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर जो है वो वर्क करते हुए स्लोली जो है ये डाउन हुआ है और एकदम से इसने बैटरी कंज्यूम नहीं की। अगर यहाँ पे बात की जाए कि ये आईफोन iOS 17.4 बीटा 3 पे अपडेट होने के बाद बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है, तो ओवरऑल ये आईफोन इस टाइम iOS 17.4 बीटा 3 पे एक्सीलेंट बैटरी परफॉर्मेंस दे रहा है और यहाँ पे किसी भी किस्म का बैटरी ड्रेन इशू देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर आप भी iOS 17.4 बीटा 3 पे अपने आईफोन को अपडेट करना चाहते हैं और आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि इसका बैटरी बैकअप कैसे होगा, तो इसका बैटरी बैकअप एकदम एक्सीलेंट है और यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप के हवाले से किसी भी किस्म का कोई बग देखने को नहीं मिल रहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें।